नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज की कहानी सिंधु ताई सबका। दोस्तों आपने कई महापुरुषों, राजनेताओं व अन्य विभूतियों की कहानियां खूब सुनी होंगी, लेकिन आज इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाऊंगी जिसके पास केवल एक, दो या चार नहीं बल्कि 1400 बच्चे हैं। ऐसी ही एक माँ सिंधुताई सपकाल। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुई सिंधुताई सपकाल का विवाह केवल 9 वर्ष की आयु में एक 35 वर्ष के पुरुष से कर दिया गया। 20 वर्ष की आयु में जब सिंधुताई माँ बनने वाली थी तो कुछ लोगों के गलत प्रत्यारोप लगाने के कारण उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया और एक गौशाला में घसीट के फेंक दिया। वे बेहोशी की हालत में वहाँ काफ़ी देर तक पड़ी रहीं। पति ने सोचा शायद उन्होंने दम तोड़ दिया है और इसका आरोप कहीं उनके ऊपर ना आए, ये सोच के उन्होंने गौशाला की सारी गायें खोल दी। सारी गायें इधर उधर दौड़ती रहीं। इसी बेहोशी की हालत में सिंधुताई ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। ऐसे में एक गाय ने उनकी व उनके बच्चे की रक्षा की। जब सिंधुताई को होश आया और देखा कि उनकी गोद में एक बच्चा है, उन्होंने एक पत्थर से उसकी नाल काटी। उन्होंने जाकर उस गाय से बोला, हे गौ माता, तूने आज माँ बनकर मेरी रक्षा की है, अब मैं उन सब की माँ बनूंगी जिनको माँ की जरूरत है। सिंधुताई इसके बाद अपने मायके गई, लेकिन वहाँ भी उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। कई बार ऐसी लाचारी में मन में आया कि इस शरीर का अंत कर दिया जाए, लेकिन उनके सामने वो छोटी बच्ची आ जाती और मानो वो ये कहती कि मारना ही था तो इतनी मुश्किलों में पैदा ही क्यों किया। ताई फिर से उठ खड़ी हुई। ताई दिन भर भीख मांगती और रात को जो भी उसे मिलता उसका आधा हिस्सा वो गरीबों में बांट देती और केवल आधे से खुद का गुजारा करती थी। ताई के पास न सर ढकने को छत थी और न भोजन बनाने की व्यवस्था। उन्हें कभी भोजन बनाना होता तो रात में शमशान में जाके जलती चिता के ऊपर खाना बनाया करती थी। दोस्तों जहाँ हमें दिन में जाने में डर लगता है, ताई ने रात में जाके वहाँ पे अपने लिए खाना बनाया। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी ताई ने अपनी रोटी गरीबों को बांटनी नहीं छोड़ी। ताई का दिन भर भीख मांगना और रात में शमशान में जाके खाना बनाने का ये क्रम चलता रहा। एक दिन ताई काफ़ी डर गई और इतने में अंदर से आवाज़ आई, क्या तू इतने में डर गई? अभी तो तूने बहुत कुछ करना है। और निडर सिंधुताई उसी समय उठ खड़ी हुई और ऐसे बच्चों को ढूंढने लगी जिनके पास घर परिवार माता पिता किसी का कोई सहारा न था। और होते होते आज सिंधुताई के पास 1400 बच्चे हैं। ताई के साथ पले बड़े बच्चे आज बड़े बड़े पदों पर हैं। ताई ने उन्हें केवल आजीविका कमाना ही नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाया, हर परिस्थिति में खड़े रहना सिखाया। बिना घर बिना परिवार व बिना किसी सहारे के ताई ने हिम्मत व आत्मबल से वो कदम उठाया जिससे कई बच्चे अपने लक्ष्य तक पहुँचे, अपने जीवन लक्ष्य को समझ पाए। अपने इस सराहनीय कार्य के लिए ताई को कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व कई उच्च अधिकारियों द्वारा सम्मान प्राप्त हैं। लेकिन इन पुरस्कार से भी बड़ा ताई जो हमें दे गई है वो है प्रेरणा। ऐसी प्रेरणा कि विषम परिस्थिति में भी अपने बारे में ना सोचते हुए जितना हमसे बन पाए उतना समाज के लिए कार्य करें, परिस्थितियां स्वयं आपके अनुकूल हो जाएंगी।